हेलो दोस्तों, इग्नू गाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सॉरी, मैं कुछ दिनों से इस चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लेकिन मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल थी। तो जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या तो मुझे मेल करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ABC अकाउंट को लेकर। UGC के अंडर सभी यूनिवर्सिटीज में ABC अकाउंट जो है वो मैंडेटरी हो गया है। इग्नू में ABC अकाउंट जो था इतने दिनों से वो ऑप्शनल था, लेकिन ये जो June 24th का एग्जाम फॉर्म है उसमें आप देख सकते हो ABC अकाउंट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ABC अकाउंट आपको अभी ओपन करना ही पड़ेगा। हालांकि इस बार June 24th का जो एग्जाम फॉर्म था उसमें कुछ स्टूडेंट का ABC अकाउंट नहीं था, तो इस बार उन्होंने आधार आईडी और एक दूसरा नंबर देके काम तो चला लिया है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट हो जिनका ABC अकाउंट अभी तक नहीं बना है, वो जितना जल्दी हो सके ABC अकाउंट अपना क्रिएट कर लो और इग्नू के साथ ABC अकाउंट जो है उसको लिंक करवा लो। कैसे आप ABC अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे इग्नू के साथ आप उसको लिंक करेंगे, मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताता जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। उसको आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप 5 मिनट में अपना ABC अकाउंट बना सकते हो। उससे पहले चैनल में आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ABC आईडी है क्या। ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एक डिजिटल स्टोरेज है जहाँ पर हम अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रख सकते हैं और इसको हम किसी भी टाइम पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं या कहीं पे शेयर कर सकते हैं। ABC आईडी सिर्फ आपके इग्नू में फॉर्म फिलअप के लिए ही जरूरी है ऐसा नहीं है। ABC आईडी आप क्रिएट करके रख दोगे ना, तो आपके फ्यूचर में जितना भी आपका सर्टिफिकेट है या जो भी क्रेडिट है वो सिक्योर हो जाएगा और फ्यूचर में आपको वो एक्सेस करने में बहुत ही आसानी होगी और इससे आपको बहुत सारे हेल्प भी मिलेगा। ABC आईडी जो है ना वो डिजी लॉकर के थ्रू ओपन होता है। अब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऐप है, जो बहुत ही सिक्योर है। तो ABC अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो, डिजी लॉकर का ऐप भी है अपना, तो उससे भी आप ये कर सकते हो। मोबाइल पे भी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। डिजी लॉकर में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक है आपका आधार कार्ड का नंबर और दूसरा है आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे ही आपका OTP जाएगा जिससे आप डिजी लॉकर पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका जो आधार कार्ड है वो किस मोबाइल से कनेक्टेड है, मतलब किस मोबाइल से रजिस्टर्ड है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले डिजी लॉकर के जो वेबसाइट है हम उस पे आ जाएंगे, या तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे डिजी लॉकर लिख के तो भी आपको ये पहले ही ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा, इस पे भी आप अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो डिजी लॉकर का वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। डिजी लॉकर पे आने के बाद अगर आप नए हो तो आपको साइन अप करना है, साइन अप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इधर आपका जो फुल नेम है वो डालना है आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे देना है, इधर से आपका जेंडर चूज कर लेना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, फिर आपका ईमेल आईडी दे देना है और 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन जो है वो डाल देना है, और डालने के बाद आपको इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। 6-डिजिट जो सिक्योरिटी पिन है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसमें एक OTP जाएगा, वो OTP नंबर आपको इधर डाल देना है, फिर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वेरीफाई आधार बोल के ये बॉक्स ओपन होगा, इधर आपको आपकी आधार नंबर डाल देना है। सही से आधार नंबर डाल देने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई आधार OTP बोल के एक बॉक्स आएगा, इधर OTP डाल के आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये OTP आपके आधार कार्ड के साथ जो फोन नंबर लिंक है उसमें जाएगा। आप देख सकते हो इधर आपको उस मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी दिखा देगा। ये जो OTP है वो सिर्फ 10 मिनट तक वैलिड है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका साइन अप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके सामने डिजी लॉकर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस विंडो के टॉप राइट पे आपका आधार कार्ड वाला जो इमेज है वो आ जाएगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो ABC अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो इसी विंडो में आपको इधर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोल के एक बॉक्स दिखेगा, ये अगर आपको सामने नहीं मिल रहा है तो राइट साइड से थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, तो इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है जिसमें लिखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इधर कुछ फील्ड जो है वो पहले से ही फिलअप करके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी टाइप इसमें जो सिलेक्ट है इसको क्लिक करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करना है। एनरोलमेंट नंबर को सिलेक्ट करना है क्योंकि इग्नू में जो है वो एनरोलमेंट नंबर रहता है, तो आपको एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करके ओके करना है। ओके करने के बाद आइडेंटिटी वैल्यू जो है उधर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो उधर आपको डालनी पड़ेगी। एनरोलमेंट नंबर आपको यूनिक जो आई कार्ड है उधर मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको एडमिशन ईयर में क्लिक करना है। अरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है उनको एडमिशन ईयर क्या है, वो कैसे पता कर सकते हैं? आपको ये वाले लिंक पे आ जाना है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो है जैसे आप आपका जो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। तो इधर आपके एनरोलमेंट नंबर जो है वो डाल देना है, आपका जो प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको इधर डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला जो विंडो है ओपन हो जाएगा और इधर से आपको आपका जो एडमिशन ईयर है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन ईयर है वो इधर से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा आपको, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना। फिर आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके इधर से आपको ढूंढना है INDIRA। ऐसे आप लिखेंगे तो नीचे आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ये मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना इंदिरा गांधी नेम से बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज है, तो आपको ये वाला चूज करना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको चूज करके आपको ओके कर देना है। इधर जो चेकबॉक्स है उसमें बाय डिफॉल्ट राइट है, इसको कुछ मत कीजिए, आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। पेज को रिफ्रेश मत करना, थोड़ा वेट करना, थोड़ा टाइम लेता है ये। थोड़े टाइम बाद वाला जो नोटिफिकेशन है डॉक्यूमेंट पेज सक्सेसफुली ये वाला दिख जाएगा, और आपका जो ABC अकाउंट का ID कार्ड है वो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से आपका जो ABC ID है वो आप सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट, जब भी आपको ABC अकाउंट एक्सेस करना है आप डिजी लॉकर पे लॉगिन करें, और उसके बाद आपको इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऐड किया है वो सारे आपको इधर दिख जाएगा। इधर ABC ID कार्ड में क्लिक करके आप एनी टाइम आपका जो ABC ID एक्सेस कर सकते हो। ABC ID रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।